हरिद्वार की जानी मानी पॉश कॉलोनी जो उस कंट्री के निर्माण की पोल खुल गई, पहली ही बरसात में कॉलोनी के अंदर बनी सड़क धस गई, पार्किंग में भी पानी भर गया। इस दौरान लोगों ने अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जुर्स कॉलोनी के प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव राय ने कहा कि जिस तरीके से बारिश के कारण एक सड़क धंस गई, ये सब निर्माण में लगे घटिया क्वालिटी की सामग्री के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सड़क धंसी है, आने वाले समय में कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है, क्योंकि जुर्स कंट्री में लगभग 1000 परिवार निवास करते हैं और बिल्डर का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्किंग की हालत बदहाल होने के कारण लोगों को अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी करनी पड़ रही है। यदि सोसाइटी में कोई आग जैसी घटना भी घट जाती है तो फायर की गाड़ी आने तक का रास्ता नहीं है। अध्यक्ष ने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर बिल्डर के खिलाफ रेरा में केस फाइल किया गया है और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। जो यहाँ हादसा हुआ है जिसको आप लोगों के सामने दिख रहा हो, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे बिल्डर ने किस क्वालिटी का मटेरियल यहाँ इस्तेमाल किया है और किस क्वालिटी की लेवलिंग वगैरह की है, जिससे कि आज तो ये सड़क नीचे धंसी है, इसमें एक कार पूरी की पूरी धस गई। इसके बाद किसी दिन अगर कोई टावर जो है वो अगर धस गया तो करीब 1000 फैमिली यहाँ रह रही है, इसलिए 1000 फैमिली की जान बिल्कुल स्टेक पे लगी हुई है, जिसका उसको हमारे बिल्डर को कोई भी इससे मतलब नहीं है। उसको नोट छापने की मशीन चाहिए, पार्किंग इनके पास नहीं है, और उसके अलावा इसीलिए लोग ऊपर सड़कों पर गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अब सड़कों पर गाड़ी जो पार्क हो रही तो आप देख सकते हैं कि 30 फुट की सड़क जो ये क्लेम करते हैं, उस सड़क पे भी अगर बाई चांस किसी समय फायर हो जाए तो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी वहां पे नहीं आ सकती। वहीं जुर्स कंट्री के प्रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन महासचिव जितेंद्र कुमार शर्मा ने बिल्डर पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है। HRDA को भी 8 महीने पहले इसकी जाँच के आदेश दिए गए थे, लेकिन HRDA ने अभी तक कोई जाँच नहीं की है। जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था यहाँ प्रॉपर, इतनी सी बारिश में ये गड्ढा नहीं होना चाहिए था। वो तो दिखाई रहा है कि किस तरह है, और जैसा कि अभी आपको राजीव जी ने बताया, बहुत सारी विसंगतियाँ हैं यहाँ पे। पार्किंग का इशू है, वो आपको यहीं से आप फोटो ले तो आपको दिखाई देगा कि वाकई में फायर की गाड़ियाँ नहीं आ सकती। इसके अलावा और डेंजर जो भी है कि नॉर्मल इंडस्ट्री को, एक अगर कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसको फायर का NOC लेना जरूरी होता है। इनके पास आज तक कोई फायर की NOC नहीं है, इतना बड़ा सोसाइटी खड़ा कर दिया, न तो एक भी जॉकी पंप, न कोई पानी का टैंक है अंडरग्राउंड जो फायर के नॉर्म्स होते हैं। तो ये तो एक बहुत छोटा सा हादसा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग यहाँ सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षित कुछ भी है नहीं यहाँ पे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।